वेलकम टू टूडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप यू आर डूइंग गुड गाइस आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शीन हॉल जो कि आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी मेरे इंस्टाग्राम पे कि आपको शीन हॉल देखना है सो पिछले एक महीने में मैंने जितना कुछ भी मंगाया है वो आज मैं इस हॉल वीडियो में शेयर कर रही हूँ जिसपे आपको टॉप्स प्लाजो इयररिंग बैग सब कुछ देखने को मिलेगा। सो गाइज मैं शीन से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, मुझे पर्सनली शीन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे एथनिक वेयर लेना होता है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिंत्रा होती है एंड अगर मुझे वेस्टर्न वेयर लेना होता है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस शीन होती है। तो हर महीने भर भर के शीन से शॉपिंग करती हूँ बट मैं शीन का हॉल वीडियो नहीं बनाती हूँ। रीज़न है कि मेरे चैनल पर लोगों को शीन हॉल उतना देखना पसंद नहीं है सो मैंने शीन हॉल बनाना बंद कर दिया था बट आपकी रिक्वेस्ट पर मैं फिर से एक शीन हॉल बना रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आपको कौन सी टॉप अच्छी लगी, इयरिंग अच्छी लगी, क्या अच्छी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। एंड आगे आप और भी शीन हॉल देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मुझे जरूर से बताएं क्योंकि हर महीने मैं शीन से बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो। सो गाइस माय फर्स्ट आइटम इज दिस डार्क ब्लू लॉन्ग ड्रेस। ये नेवी ब्लू कलर की एक ड्रेस है जो कि लैक्रा मटेरियल की है एंड बहुत ही ऑसम, बहुत ही सुपर है। कुछ इस तरीके से इसकी नेकलाइन है, ये नेकलाइन बहुत डीप लग रही है बट ऐसा कुछ भी नहीं कि डीप है। सो इसमें मेरा साइज लार्ज है एंड लार्ज मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं हमेशा साइज चार्ट फॉलो करती हूँ शीन पे, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों पे रिव्यू नहीं होती है तो जहाँ पर रिव्यू आपको नहीं मिल रही वहाँ पे आप साइज चार्ट फॉलो करें। एंड हमेशा मैं साइज चार्ट ही फॉलो करके लेती हूँ रिव्यूज़ देखने के बाद ही, बट मुझे वो हमेशा सही फिटिंग की होती है। सो कुछ इस तरीके की ये ड्रेस है, फुल स्लीव्स के साथ है, वेस्ट लाइन पे आपको ये बेल्ट मिल जाएगी एंड नीचे की तरफ ये साइड स्लिट है। सो इसमें मेरा साइज लार्ज है एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम ड्रेस है, पार्टी के लिए परफेक्ट है। आप इस पर हेवी नेकलेस डाल के वेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही सुपर बहुत ऑसम है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन। I feel like I linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here. तो ये एक ऐसी आइटम है जो मैं पिछले साल से ही लेना चाहती थी करीबन एक साल से, बट मैं जब भी उसे मंगाई मेरे बॉडी पे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उस टाइम मेरी वेट थोड़ी ज़्यादा थी एंड अभी थोड़ा सा मैंने वेट कम कर लिया है तो मैंने इसे फिर से एक ट्राई देने के लिए मंगाया है एंड दिस टाइम ये मुझ पर अच्छी लगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई। ये फ्लेयर वाली प्लाजो कुछ इस तरीके से, तो पिक मैं अटैच करूंगी यहाँ पे और वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपकी बॉडी को थोड़ी सी कर्वी बनाती है तो जिसकी भी कर्वी बॉडी उन पे आई डोंट थिंक ये उतनी अच्छी लगने वाली है बट पतली लड़कियों पे ये बहुत अच्छी लगने वाली है। एंड मैंने इस पे मंगाया है लार्ज साइज जो कि मुझे बहुत अच्छी फिटिंग आई एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद क्योंकि मुझे बहुत टाइम से पहनने का मन था। एंड मटेरियल इसका पॉलिस्टर है, सेम मेरे पास H&M का एक ऐसी मटेरियल की पैंट है जो कि सेम मटेरियल है एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एंड जिनको भी थोड़ा डिफरेंट यू नो पहनना पसंद है या कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेसअप होना पसंद है उनके लिए ये प्लाजो परफेक्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें अगर आप कुछ डिफरेंट पहनना चाहते हैं तो। Over your body and over your soul, we're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. कलर की फ्लावर प्रिंट पे ब्लेजर जो कि बहुत ही खूबसूरत है एंड ये समर वाला ब्लेजर है, ये विंटर वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस नवंबर मंथ में आप पहन सकते हैं बट दिल्ली की सर्दियों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत लाइट वेट कलर की ब्लेजर है, मुझे बहुत पसंद आई एंड जहाँ भी सर्दी कम होती है एक हाई नेक के साथ आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। आई रियली लाइक दिस ब्लेजर अ लॉट एंड इसके अंदर मैंने ये ऑरेंज कलर की स्पेगेटी पहनी हुई है जो कि मुझे अभी नहीं मिल रही है बट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर ले। एंड वो करीबन मुझे 100 रुपीज़ की मिली थी और मुझे काफ़ी पसंद आई।
नेक्स्ट आइटम इज दिस टॉप. ये ब्लाउज है एक्चुअल में. ये इस टाइप का ब्लाउज अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत फैशन में है. इस तरीके की प्लफ स्लीव्स वाली एंड सामने नेकलाइन पे आपको ये इलास्टिक मिलेगी एंड कुछ इस तरह से क्रॉप टॉप है ये. और इसके बैक पे आप देखो जिप है एंड बैक थोड़ी सी डिप है. तो इस तरीके की ये ब्लाउज़ है. मटेरियल भी इसकी बहुत अच्छी है एंड लुक वाइज भी बहुत अच्छी है. एंड कलर्स इस पर आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिलेंगे तरह तरह के. तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर चेक कर लें. मुझे ग्रीन कलर बहुत अच्छी लगी जिससे मैंने ये लिया है. एंड इस पर मेरा साइज़ मीडियम है बट मीडियम मुझे लूज़ हो रही है. सो जो भी स्मॉल प्रेफर करते हैं वो स्मॉल ही ले, ये परफेक्ट साइज़ है. Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take. सो माई नेक्स्ट आइटम इज दिस येलो प्लीट्स वाली प्लाजो, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइट वेट प्लाजो है ये. एंड इसके साथ आती है ये बहुत ही खूबसूरत ये बेल्ट, जो कि ये पर्ल वाली बेल्ट है. इसके वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड इसका आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिलेंगे लाइक ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक. येलो में कुछ प्लेन इस तरीके का प्लाजो नहीं था, सो मैंने ये परचेज किया. एंड आई रियली लाइक दिस वन. थोड़ा सा सी थ्रू है. सो शीन में आपको जितने भी स्कर्ट एंड प्लाजो मिलेंगे वो थोड़े बहुत सी थ्रू होते हैं. शीन वाले सी थ्रू ही बनाते हैं, आई डोंट नो वाई, बट मैनेज कर सकते हो आप इसे आराम से. एंड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. आई रिकमेंड दिस. शेयर वाली टॉप, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. एंड थोड़ी सी शाइनी काइंड ऑफ मटेरियल है इसकी एंड बहुत सॉफ्ट है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हार्श है या हार्ड आपको बॉडी पे लगेगी. तो कुछ इस तरीके की सॉरी आयरन नहीं है. तो ऐसे शेयर वाली ब्लाउज़ है. एंड शर्ट के लिए तो इतनी है. जहाँ मैं एक पिक या फिर वीडियो अटैच करूँगी आप प्लीज़ वहाँ पर देख लें. एंड इस टॉप को जो यूनिक बनाता है वो है इसकी ये वाइट कलर की ब्रालेट, जो कि आप इसे ऊपर से पहन सकते हैं. लाइक शीन के फोटो पे ये ऊपर से दी हुई है, तो ऊपर से पहनने के लिए ही है ये कुछ इस तरीके से, जो कि सैटन मटेरियल में है. मटेरियल बहुत ऑसम है. इसका भी मटेरियल बहुत ऑसम है. एंड ये बहुत ही यूनिक लगी मुझे. लाइक शेयर वाली आपको बहुत ज़्यादा टॉप्स मिल जाएगी, बट ये बहुत मुझे यूनिक लगी. एंड बैक इसकी कुछ इस तरीके से आती है और फ्रंट कुछ ऐसे आती है. सो ये जो स्ट्राइप्स है ये आपको थोड़ी सी लूज होगी. अगर आप यहाँ से थोड़ी सी स्टिच कर लेते हैं तो आपको परफेक्ट होगी. एंड कुछ इस तरीके से ऊपर से आप पहन सकते हैं. इसे आप इसे अंदर से भी पहन सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे पहन सकते हैं. मैंने इसे ऊपर से ही पेयर किया था, बट ये नेक इसकी इतनी डीप आ रही थी सो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था. तो उसके साथ मैंने अंदर ये ब्रा डाला था लाइक स्ट्रैपलेस वाली. इसको पहनने के बाद मैंने वो शर्ट पहना, देन वो ऊपर से ब्रालेट पहना. देन ये बहुत ऑसम लग रहा था. मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई. इसे आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट पैंट्स के साथ, डिफरेंट बेल्ट्स के साथ. मैंने इसे सेम येलो प्लाजो के साथ पेयर करा है. एंड उसके साथ जो उसकी बेल्ट थी उसको मैंने ऊपर से डाला. यहाँ मैं पेक अटैच करूंगी, सो प्लीज चेक कर. सो माय नेक्स्ट आइटम इज अगेन वन टॉप. एंड जो भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं आई नो उनको ये टॉप एंड बहुत सारी चीजों के बारे पता होगी कि मैं ऑलरेडी पेक अपलोड कर चुकी हूँ वहाँ पे. सो कुछ इस तरीके की ये बहुत ही खूबसूरत कलर की टॉप है. सॉरी ये फिर से आयरनिंग नहीं है. एक्चुअली मैं बिना आयरन का कोई भी हॉल शूट नहीं करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कल रात मेरी आयरन खराब हो गई है, उसे मुझे बनाना है. सो प्लीज़ इग्नोर कर दे थोड़ा. सो ये टॉप है. एंड ये टॉप मुझे इसलिए पसंद है, वी नेक के साथ है एंड शॉर्ट स्लीव है, बहुत छोटी सी स्लीव है. फ्रंट पे आप यहाँ पे टाई कर सकते हैं. एंड पीछे से जिनको यू नो थोड़ी सी पेयर्स ऑफ बॉडी है, जिनको शॉर्ट टॉप पहनना पसंद नहीं है, थोड़ा सा हिप जिनको हाइड करना है, उनके लिए टॉप परफेक्ट है. अच्छे से हाइड हो जाएगी, आप कोई भी लेगिंग्स जैगिंग्स के साथ इसे वेयर कर सकते हैं. और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई. मुझे ऐसे हाई लो टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं. अब जो है
वो मेरी फेवरेट ब्लेज़र है एंड ऑफ कोर्स मुझे ब्लेज़र पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो ये नियॉन कलर की बहुत ही खूबसूरत नियॉन ग्रीन की ब्लेज़र है जो कि बहुत ही ऑसम लग रही है. कैमरा पे ये मुझे बहुत ज़्यादा लाइट दे रही है, कैमरा पे जस्टिस नहीं हो रही है, बट ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही गॉर्जियस ब्लेज़र है. मटेरियल बहुत अच्छी है. ये सेम ब्लेज़र की एक मैं रेड कलर ऑलरेडी ले चुकी हूँ. सो एक हॉल का लिंक मैं अटैच करूँगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार प्लीज़ चेक कर लें. वहाँ पर मैंने शीन के बहुत सारे आउटफिट दिखाए हैं एंड आपको वो ज़रूर हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे आइटम्स आपको मिलेंगे. सो ये ब्लेज़र उसी की कलर है एंड ये मुझे काफ़ी पसंद आई एंड इस पर मेरा साइज मीडियम है. थोड़ी सी मुझे लूज हो रही है, स्मॉल बहुत अच्छी फिट होती है. सो जो स्मॉल पहनते हैं वो स्मॉल है, जो मीडियम पहनते हैं मीडियम. ये नियॉन कलर की स्पेगेटी मैंने मंगाई है जो कि 100 रुपीज़ में मुझे शीन में मिली है एंड इसका साइज लार्ज है. मैंने इसे इसलिए मंगाया क्योंकि मैं थोड़ी कन्फ्यूज हो रही थी कि मैं इस ब्लेजर में क्या पहनूँ. लाइक या तो आप पूरे ब्लैक के साथ जा सकते हो या पूरे व्हाइट के साथ जा सकते हो, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं नियॉन कुछ ट्राई करूँ. सो इसलिए मैचिंग करने के लिए मैंने ये मंगा लिया. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन. मेरा नेक्स्ट आइटम भी एक हाई वेस्ट पैंटी है एंड पैंट इसलिए क्योंकि मैं पैंट्स मेरे हॉल्स में आपको सिर्फ ट्राउजर एंड पैंट्स मिलेंगे क्योंकि मैं जीन्स बिल्कुल भी पहनना प्रेफर नहीं करती हूँ. आई डोंट नो, मेरे पास 2-3 जीन्स है, आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि मैं जीन्स पहनती ही नहीं हूँ. मुझे बिल्कुल जीन्स पहनना पसंद नहीं है, बट ट्राउजर हाई वेस्ट मेरे पास भर भर के पड़े हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो मैं हाई वेस्ट ट्राउजर प्लाजोज एंड उसके साथ क्रॉप टॉप एंड गर्मी हो तो श्रग या तो फिर ब्लेजर में पहनना पसंद करती हूँ एंड यही मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो ये ब्लैक कलर की हाई वेस्ट पैंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है. ये 3 बटन्स है फ्रंट पे, आपको इस पर एक एक्स्ट्रा बटन भी मिलेगी. साइड पे यहाँ पे जिप है जो आपको एडजस्ट करने में इजी होती है एंड ये लॉन्ग थोड़ी सी लूज काइंड ऑफ, पूरी फिटिंग वाली नहीं, थोड़ी लूज पैंट है ये. एंड इसकी जो हाई वेस्ट है ना, जिनको भी हाई वेस्ट पहनना पसंद है लाइक यहाँ तक जैसे मुझे पसंद है, तो उनके लिए परफेक्ट है. एंड इसका प्राइस भी अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ है एंड ये लिटरली यहाँ तक आती है. मटेरियल पॉलिस्टर है, अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल नहीं है, बट बुरा भी नहीं है, बीच का ऊपर के मटेरियल है एंड मुझे ये काफ़ी पसंद आई एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन. एंड इस पे मेरा साइज अगेन स्मॉल है. इस पे बोलूँगी कि आप एक साइज़ डाउन लो अगर आप मीडियम पहनते हो, तो स्मॉल लो. अगर आपको फिटिंग चाहिए बिल्कुल जीन्स वाली तो आप एक साइज़ डाउन लो, बट आपको थोड़ा थोड़ा लूज चाहिए तो अपने साइज़ चार्ट जो आप अगर मीडियम पहनते हो तो मीडियम लो, स्मॉल पहनते तो स्मॉल. सो नेक्स्ट जो है वो बहुत ही छोटू सी क्यूट सी बैग है, कुछ इस तरीके से. लाइक ये छोटा सा साइज इसका है, आपको ये इतने में है लाइक एक हाथ से जो है ना उससे भी छोटी है ये. एंड इसको मैंने इसके बेल्ट के लिए लिया है. लाइक ये बहुत ही कलरफुल एंड बहुत ही गॉर्जियस सी लग रही थी. अगर बात करूँ मैं इसकी क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम नहीं है, बट बहुत चीप भी नहीं लग रही है. मैंने इसके लिए 500 रुपये किया है और ये मुझसे निकल गई गलती से. सो मैं इसे हटा दूँगी या चिपका दूँगी. सो 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि जब आप इस तरीके से वेयर करोगे किसी भी प्लेन टॉप में तो ये बहुत ही ऑसम लुक देने वाली है. सो इस पर आपको बहुत सारे कलर्स एंड डिज़ाइंस ऑप्शन मिल जाएंगे. नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बैग जिसको मंगाते वक्त मैंने सोचा था या तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है या तो फिर बहुत बेकार लगने वाली है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड ये स्क्वायर टाइप का कुछ, बास्केट टाइप का कुछ इस तरीके का ये बैग है, आप देख सकते हैं. एंड इसकी डिटेलिंग वगैरह बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही गॉर्जियस है. सो कुछ इस तरीके से है और ये एक हैंडल है जिसे आप इस तरीके से वेयर कर सकते हैं और उसके साथ ये स्लिंग भी है, तो आप स्लिंग के साथ भी वेयर कर सकते हैं, आपको जैसे भी ठीक लगे. सो ये यहाँ से आप हटा सकते हो, ये हटाकर आप स्लिंग डाल सकते हो. एंड यहाँ पे एक और हुक दी हुई है लाइक कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे लगेगी. अगर आपको सिर्फ ये हैंडल यूज़ करना है तो कुछ इस तरीके से ये लुक देगी ऐसे. और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई लाइक बहुत ज़्यादा, ये बॉक्स काइंड ऑफ. एंड सेकंड थिंग, ये बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, लाइक इतनी स्पेस है ना इस पर. आप इस पर आराम से कैमरा, मैं जब इसे अभी लेकर गई थी ट्रिप पे, कैमरा चार्जर मोबाइल की चार्जर एंड कुछ मेकअप आराम से इस पर ऐड गई. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई रियली रिकमेंड दिस वन. अगर किसी को भी कुछ डिफरेंट चाहिए ना तो ये बैग आप ले सकते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट मैंने ये बैग मंगाई है शीन से जो कि
यहाँ पे आपको बहुत सारे डायमंड्स मिलेंगे एंड परफेक्ट है ये पार्टीज के लिए। आप देखिए मार्वल प्रिंट में है ये, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सी बैग है, बहुत ही गॉर्जियस लुक दे रही है कुछ इस तरीके से। डिटेलिंग इसकी बहुत ही औसम है, बहुत गॉर्जियस है एंड मुझे ये काफ़ी पसंद आई। सो कुछ इतनी स्पेशियस है ये जिसपे आप मोबाइल लिपस्टिक आराम से कैरी कर सकते हैं एंड इस तरीके से बंद होती है। सो ये मैंने पार्टी के लिए मंगाए हैं क्योंकि इस टाइप का मेरे पास कुछ भी नहीं थी एंड आई रियली लाइक दिस वन एंड रिकमेंड दिस वन क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा औसम है, बहुत सुपर फाइन है। एंड माई नेक्स्ट इज दिस स्नेक प्रिंट बैग। एक्चुअली मैं एनिमल प्रिंट की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ बट मैंने पिछले साल बहुत ज़्यादा एनिमल प्रिंट्स पहन रखा है सो अब मैं थोड़ी सी उससे बोर हो गई एंड ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जो क्वालिटी है वो बहुत ही गॉर्जियस है, बहुत ही अमेजिंग है, मुझे काफ़ी पसंद आई एंड कुछ इस तरीके से है। और ये भी छोटू सा क्यूट सा बैग है जो बहुत ही छोटा सा, तो मेरे हर बैग पे इयररिंग्स और एक लिपस्टिक ज़रूर मिलती है। सो बहुत ही क्यूट सा छोटा सा बैग है ये और दो कंपार्टमेंट है इसमें जिसके मोबाइल एंड थोड़ा सा मेकअप के लिए परफेक्ट है। किसी भी पार्टी वार्टी या फिर आप जब भी ज़्यादा ड्रेसअप करना चाहते हैं, किसी भी ओकेजन में जाते हैं, सो उसके लिए ये परफेक्ट है। रियली लाइक दिस वन। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ इयररिंग्स शीन से मंगाई। एक्चुअली मैं शीन से बहुत ज़्यादा इयररिंग्स मंगाती हूँ क्योंकि मुझे उनके इयररिंग्स बहुत पसंद है वेस्टर्न वेयर के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से इयरिंग है ब्लैक कलर में, इसके आपको सिल्वर कलर भी मिल जाएगी एंड ये मैंने मंगाया स्पेशली किसी पार्टीज़ के लिए, लाइक अभी भी कोई स्पेशल ओकेजन हो वेस्टर्न वेयर में पहनने के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, गॉर्जियस है, इसकी क्वालिटी बहुत औसम है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस इयरिंग। सो नेक्स्ट इयरिंग जो है वो जिस तरीके से है डुअल कलर की, लाइक आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है। सो इसका साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लगा क्योंकि मुझे लंबे बड़े इयरिंग्स पहनना पसंद है बट मैंने साइज चार्ट चेक नहीं किया था। सो ये बहुत ही क्यूट है, जो भी यू नो थोड़ा सा छोटा पहनना चाहते हो तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ ऑरेंज पे भी जाएगा, पिंक पे भी जाएगा, तो कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिए एंड इसे परचेज कीजिए। अब बहुत ही लाइट वेट है, लाइक बहुत लाइट वेट है। Why do I feel like I linger? Linger between the words to say. So मेरी जो next wearing है वो बहुत ही ज़्यादा भी trend में है and कुछ इस तरीके से। इसके आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे, वाइट येलो, तो वो आप देख सकते हैं। मुझे कुछ इस तरीके का न्यूट कलर चाहिए तो मैंने ये परचेज किया है एंड ये आई लाइक दिस वन ऑल्सो। That's it for today's video, guys. Sheen haul आज मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड कॉमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आज के हॉल में आपको कौन सी टॉप या प्लाजो अच्छी लगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाई।